जो टीआरपी के लिए लोग कहते हैं ना न्यूज़ चैनल के कि यहाँ का माहौल दहशत भरा है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। कश्मीर के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मेहमान नवाजी दी, मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और मैं जैसे हमने भाई न्यूज़ में सुना था कि इधर लड़ाई झगड़े या माहौल बिगड़ा रहता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सब कश्मीरी लोग हैं, हम बाहर के लोग हैं, सब देखो कैसे भाईचारा है, एक सब यूनिटी है, इधर कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी। जी नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान कुरैशी और आप देख रहे हैं कश्मीर उज़्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलमर्ग में और आज यहाँ पर स्नो शू फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से गुलमर्ग में स्नो शू रेस चैम्पियनशिप मुनाकिद की गई, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों से एथलीट्स ने इस रेस में हिस्सा लिया और अपने हुनर का मुजाहरा किया। स्नो शू रेस जो है, इसमें एक अलग किस्म का, एक मुख्तलिफ किस्म का जूता पहन कर जो एथलीट्स है उनको बर्फ़ में दौड़ना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ एथलीट्स हैं जिनने इस रेस में पार्टिसिपेट किया, इनसे हम बात करेंगे और इस गेम के मुताबिक हम उनसे जानना चाहेंगे। जी ये तो एंडोरेंस गेम है, इसके लिए बहुत सारा स्टेमिना, एंडोरेंस और मेंटल पावर चाहिए। अच्छा, क्योंकि खाली ऐसे नहीं हो सकता कि कोई बंदा आए वो पार्टिसिपेट करे। आप कहाँ से है जी? मैं चंडीगढ़ पंजाब से हूँ, मेरा नाम संदीप। जी जी, आप हमें बता दीजिएगा कि कैसा लगा आपको यहाँ आकर, यहाँ के लोगों से मिलकर, और क्या मैसेज लेकर अब आप वापस जा रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है जी, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी कश्मीरी भाइयों की, इतना प्यार मिला यहाँ पे आके, J&K टूरिज्म की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला और सारी टीम को बहुत सपोर्ट मिला। कश्मीरी जो प्लेयर्स थे उन्होंने हमारे बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हमें एक दो गाइड की, सबके सारे जो यहाँ का व्यूज़ हैं वो दिखाए। और मैं यही मैसेज दूंगा अपने भाइयों को कि यहाँ पे आएँ, इंजॉय करें, J&K टूरिज्म की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा व्यूज़, बहुत अच्छे सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। जो TRP के लिए लोग कहते हैं ना न्यूज़ चैनल के कि यहाँ का माहौल दहशत भरा है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। कश्मीर के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मेहमान नवाजी दी, मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और मैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल पारदी, महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से। हाँ सर, तो क्या कहेंगे आप, आज आपने इस रेस में पार्टिसिपेट किया, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सर का धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि यहाँ तक आने के लिए सर ने बहुत सपोर्ट किया और सर की साया अकेडमी तलाशरी है महाराष्ट्र में, वो चलाते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस कुमारी है। अच्छा, कहाँ से है आप? मैं ITP टीम। अच्छा, आज आपने स्नो शू रेस में पार्टिसिपेट किया, तो कैसा लगा पार्टिसिपेट करके? बहुत ही अच्छा लगा, नॉर्मल रनिंग से तो ये थोड़ा टफ है क्योंकि नॉर्मल फ्लैट में दौड़ना और थोड़े टेरेन और स्नो में दौड़ना तो काफ़ी डिफिकल्ट है। गुड आफ्टरनून, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं यहाँ पर अपनी टीम लेकर आया हूँ जिसमें कि स्नो शू में मेरे बंदे ने क्रॉस कंट्री में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस किया, मैंने भी ट्राई किया, इसमें मेरा 7th प्लेस पड़ा है और मेरा जूनियर बॉयज़ में जो स्टूडेंट है उनका 3rd प्राइज़ पड़ा है। जी, आप हमें ये बता दीजिएगा कि आपको यहाँ पे कुछ दिन हो गए यहाँ पे, तो कैसा लगा आपको यहाँ के लोगों से मिलकर और क्या मैसेज लेकर आप वापस जाएंगे? नहीं सर, देखो हमने अब तक जो हमें पता था यहाँ पर थोड़ा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम श्रीनगर में 3 दिन तक रहे, 16 को हम निकल चुके थे, 16 में काफ़ी टाइम तक हम श्रीनगर में रहे थे, 3 दिन तक रुके और बहुत ही फ्रेंडली सबका नेचर है, बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं और कश्मीरी लोग तो और भी ज़्यादा मतलब एक रिस्पेक्टफुली तरीके से बात करते हैं। तो फाइनली हमें बहुत अच्छा इनका व्यवहार लगा, सब कुछ है। कुछ न्यूज़ चैनल जो सच दिखाते हैं बट लेकिन TRP की वजह से, जो सर ने भी बताया, TRP की वजह से कुछ भी हो रहा है आजकल इंडिया में ना, तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी माहौल नहीं है, आप लोग आइए और यहाँ पर स्नो शू जो ये फेडरेशन ने, खेलो इंडिया फेडरेशन ने ये इवेंट चलाया है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं, मजे ले सकते हैं। जी कहाँ से आप? सर हम महाराष्ट्र से और हमारा एकेडमी चलता है साई एकेडमी तलाशी करके, वहाँ पे मैं विलास साडल NIS कोच और मेरे जो सीनियर है अनिता पाटिल जी, जो हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसके वजह से हम लोग आज यहाँ आए हैं जो इवेंट के लिए। और विशाल जो पिछले साल खेलो इंडिया में मेडल मिला था, गोल्ड मेडल। अच्छा, आपको खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल? हाँ सर। अच्छा, किस में? लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ सर, गोल्ड मेडल मिला। हाँ सर। हमारे साथ बात कर रहे थे बिरून रियासतों से आए हुए कुछ एथलीट्स, इनका ये कहना था कि इन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और जो भी मीडिया में दिखाया जा रहा है कश्मीर के हवाले से, इनने कहा कि वो बिल्कुल गलत है, यहाँ के लोग जो हैं वो इनके साथ अच्छी तरह से पेश आए। गुलमर्ग से मैं हूँ फैज़ान कुरैशी, कश्मीर उज़्मा के लिए।